जून से लखनऊ में चलने वाले अनिश्चितकालीन धरने को लेकर आदर्श लोक शिक्षा प्रेरक वेलफेयर एसोसिएशन आजमगढ़ द्वारा जिला मुख्यालय पर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन लोगों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के लोगों का कहना था कि शासन व प्रशासन के ढुलमुल रवैये को देखते हुए प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा 4 जून से राजधानी में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, जिसकी वह तैयारी कर चुके हैं ताकि धरने में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और सूबे की तानाशाही सरकार को जगाने का प्रयास करें। उनका कहना था कि लगभग 2 वर्षों से प्रेरकों का बकाया वेतन और मानदेय को आगे न बढ़ाकर शासन प्रशासन के लोगों ने घोर अन्याय किया है। साथ ही रोजगार देने के बजाय उन लोगों ने रोजगार छीनने का काम किया है, इसलिए सरकार को जवाब देना जरूरी है। इस दौरान उन लोगों ने प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सरकार 12 तारीख को लखनऊ के यूको गार्डन में उस अनिश्चितकालीन धरने में सम्मिलित होगा और उसी धरने को सफल बनाने के लिए और सरकार को उसकी औकात बताने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और सारे पदाधिकारियों से यह आह्वान किया जा रहा है कि जिले में कार्यरत 2,500 लोगों में 100% उपस्थिति हो और लखनऊ पहुँच करके राजधानी में अपनी मांगों को जोरदार तरीके से। सबसे पहले तो मांग यह है कि हम लोग कार्यरत तो जरूर हैं, लेकिन विगत 2 वर्षों से हम लोगों का मानदेय नहीं मिला हुआ है, वो भी मात्र 2,000 रुपया मासिक मिलता है, जबकि न्यूनतम मानदेय जो सरकार ने क्राइटेरिया बनाई है उसमें भी वेतन देने और 7,500 रुपये से लेकर के 24,000 रुपये तक का मानदेय देने की बात कर रही है, लेकिन हम लोगों को वो 2,000 रुपया 2 वर्षों से नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से हमारी योजना के संचालन को 31 मार्च 2017 से रोक दिया गया है और हम लोग सरकार तो रोजगार देने के दावे करती रही परंतु रोजगार देते हुए तो नज़र कहीं नहीं आई, लेकिन हम प्रेरकों को बेरोजगार जरूर कर दिया है से कि आखिर हम लोगों को एक सड़क पर उतारने से क्या पा रही है। वे कम से कम हम लोगों की पुकार तो सुने। पहले तो वे लंबा लंबा भाषण देते थे लोग, योगी और मोदी जी, और बाद में हम लोगों को जो है ला करके सड़क पर खड़ा कर दिए। अरे हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, उन लोगों से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। वो लोग वोट के समय हम लोगों से भीख मांग करके वोट जीतते हैं और हम लोग जो है अपना हक मांग रहे हैं उन लोगों से। जब यही कर रहे हैं, करना था उन लोगों को, तो हम लोगों क्यों ऐसा काम करने से संविदा कर्मियों को किए और काम जब संविदा कर्मियों पर दिए हैं तो ये कम से कम हम लोगों की मांगे पूरा करें। हम लोगों को 20 महीने से जो है मानदेय नहीं मिल रहा है, उसको तो कम से कम हम लोगों का मानदेय दीजिए। उन लोगों का मानदेय अगर जो रोक दिया जाए तो ये लोग खुद ही सड़क पर आ जाएंगे और हम लोगों का मानदेय रोक कर क्या दूसरों को कहते हैं काला धन लोग जमा कर रहे हैं। वे लोग तो हम लोगों का मानदेय रख करके खुद ही काला धन जमा कर रहे हैं अपने लिए, अपने भविष्य के लिए।